हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो नेटफ्लिक्स यार एक एक करके ड्रॉप करते जा रहा है टीजर और ट्रेलर इतनी सारी मूवीज के सीरीज के। तो भाई एक एक करने से अच्छा मैं सोच रहा हूँ एक ही वीडियो के अंदर काफी सारे कर डालूं। तो अभी जो मैं रिएक्ट करने वाला हूँ गाइस, उसका नाम है कटहल। और इसके अंदर हमें दिखेगी सनाया मल्होत्रा, राजपाल यादव, विजय राज। ओके यार, इसका भी जो कास्टिंग है बहुत ज़बरदस्त है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले देख लेते हैं। और कटहल की बात क्या हो रही है, वो जो कटहल की तो नहीं हो रही है, अपने सब्जी वाला कटहल जो कि फल भी और सब्जी भी है ना, अजीब चीज़ है। तो देख लेते हैं ये वही है क्या। ओके ट्रू, नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज इवेंट्स के ऊपर है। कट 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 कट, जब से ये खबर मिली है ससुरी जबान ही लड़खड़ा रही है। ओ सही में कटहल का पेड़ है यार वो, चमचमाते शानदार कटहल। सही है, चोरी है गए। कल को लोग कुमड़ा लौकी तुरई की रिपोर्ट लिखवाने आ जाएंगे। और सही में यार, अगर इनामी कटहल हूँ है तो 10,000 रुपया मैं है। तुमको और फोर्स चाहिए, 10,000 जो चाहिए मांग लो, लेकिन कटहल मिलने चाहिए। कंप्लीट मैडनेस। कटहल एक ऐसा फल, ऐसा था क्या कटहल, पूरे मोबा में हलचल हलचल हलचल। साले चोरों का स्टैंडर्ड कितना गिर गया है, कटहल चुरा रहे हैं। हम पुलिस वालों का स्टैंडर्ड कौन सा आसमान छू रहा है, हम कटहल ढूंढ रहे हैं। एग्जैक्टली, ओके कमिंग सून। भाई ये जबरदस्त है यार, मतलब कटहल चोरी की रिपोर्ट, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये न्यूज़ में कहीं तो सुना था मैंने कि कटहल चोरी के ऊपर ये छोटा सा कहीं ब्रेकिंग न्यूज़ तो कहीं सुनी थी मैंने कोई न्यूज़ चैनल में कि हाँ यार कटहल चोरी हुआ था और उसकी रिपोर्ट हुई थी और पुलिस ढूंढ भी रही थी यार। कुत्ता उत्ता तो सामने सुना है, कुत्ता बिल्ली ढूंढते हुए, लेकिन कटहल भी ढूंढ रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मूवी और कैरेक्टर्स तो बहुत ज़बरदस्त है। जो सनाया मल्होत्रा का कैरेक्टर है बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, उन्होंने जो एक्सेंट भी पकड़ा है बहुत बहुत ही रियल लग रहा है। और राजपाल यादव की तो क्या ही बात करें, और विजय राज की क्या बात करें यार, दोनों ही कंप्लीट अनदर लेवल वाले एक्टर हैं और दोनों ही की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। तो इन सभी का जो कॉम्बिनेशन देख के बहुत मज़ा आ रहा है। और स्टोरी पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है स्टोरी में काफ़ी ट्विस्ट हो सकते हैं। क्या कटहल में कुछ छुपा के तो नहीं रखा, क्योंकि उसको लगा भाई कटहल सेफ जगह है तो उसके अंदर उसने शायद कुछ सोना वोना छुपा के रख दिया हो, वरना इतना क्यों वो कटहल के लिए करेगा। और वो पॉलिटिशियन ही लग रहा है विजय राज का कैरेक्टर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार। मतलब ये टीजर ही है, अभी ट्रेलर आएगा जब और ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन हम बढ़ते हैं दूसरे ट्रेलर के ऊपर, ट्रेलर नहीं टीजर ही है सारे के सारे। तो आई थिंक ये वाला है राणा नायडू। ओके राणा नायडू, तो बिना किसी देरी के ये टीजर भी देख लेते हैं। और क्योंकि यार इसमें राणा दुगुपति है, क्योंकि नाम देख पा रहा हूँ, और वेंकी सर भी है यार, क्या बात है, और सुरवीन चावला भी है। तो यार ऐसा क्या कॉम्बिनेशन बनाने वाले कि भाई ये वेंकी सर और राणा दुगुपति ये क्या बनाने वाले यार, और राणा नायडू नाम है। तो चलो देख लेते, एक मिनट का टीजर है, चलो। कुछ हेल्प चाहिए? बहुत सुना तेरे इस हेल्प के बारे में, कोई भी सेलिब्रिटी को प्रॉब्लम होता राणा प्लीज फिक्स दिस, सबसे पहले तेरे को फोन चलता। ओके फिक्सर, फिक्सर फॉर द स्टार। ओके स्टार लोग के लिए काम करता है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि अगर राणा जुड़ा है तो स्कैंडल बड़ा है। राणा जुड़ा तो स्कैंडल बड़ा है दुनिया में। क्यों वैंकी, वैंकी सर का कैरेक्टर तो देखो है क्या रिलेशन उसका। ओके डार्क हो रही है भाई। नाना नहीं बोलेगा मेरे को, बापू तेरा बाप जैसा काम कर, बाप है तो बोलता। ओके भाई भिड़ रहे हैं यार, ये तो इंटेंसिटी यार जबरदस्त, दोनों कैरेक्टर बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है काफी इंटेंसिटी है दोनों कैरेक्टर्स के अंदर। और यार ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं है कहीं पे, है ना, कि भाई किसी स्टार्स को बचाने के लिए एक बंदा रहता है और जैसे वो बोलता है कि जहाँ राणा है वहाँ बड़ा है, कुछ दाव बड़ा है, और वो उनका जैसे वो बोलता है ना उनका सेवर है, मतलब कहीं ना कहीं उनका प्रोटेक्टर है स्टार लोग का। ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ये सेलिब्रिटी का जॉन विक है, जो सेलिब्रिटी को कुछ होने पे उसकी सटक जाती है और वो उनको पकड़ पकड़ के मारता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ऑब्वियसली काफ़ी शायद अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ें भी होगी इसके अंदर। और जो वेंकी सर का कैरेक्टर है वो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि वो जेल में क्यों है सबसे पहली बात, और उसका बाप भी है, राणा सर का बाप दिखाया है, और वो जेल में है और जेल से उसको निकालते इसलिए ताकि वो राणा को रोक सके, क्योंकि उसमें वैसे बोला गया कि
इस बंदे को रोक सकता है तो एक ही बंदा रोक सकता है, उसका बाप है। और अब ये दोनों मिलके एक काम कर रहे हैं या दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, ये देखने लायक होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पहले तो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ऐसे कोई टॉपिक मैंने देखा नहीं है पहली बात तो। और इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बीच बीच में ऐसा लग रहा है काफ़ी डार्क भी हो रहा है, काफ़ी ह्यूमरस भी है, इसमें ह्यूमर भी है और कैरेक्टर भी बहुत सारे इसमें लिए गए हैं। लेकिन मेन तो इंटेंसिटी ऑब्वियसली राणा दुगुपति और वेंकी सर की है यार, दोनों को देख के बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये अंडरवर्ल्ड काफ़ी इसका सिनारियो दिखाए, सेलिब्रिटीज़ की लाइफ दिखाए, उनका डार्क साइड होता है उस चीज़ को शायद ये दिखाने की कोशिश करेगा। और इसके अंदर जो शायद राणा का कैरेक्टर है ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है ग्रीडी सा है काफ़ी, और उसके अपने मतलब ये सिचुएशन में आने के वो है भाई रीज़न है, क्योंकि अब वो अपने बाप की वजह से चिढ़ा हुआ है, तो बाप ने ऐसा क्या कर दिया कि भाई वो चिढ़ा हुआ है, ये देखने लायक होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अब बिना किसी देरी के अगले ट्रेलर के ऊपर बढ़ते हैं जिसका नाम है कैट, और इसके अंदर है रणदीप हुड्डा। तो ये भी टीज़र है 1 मिनट का, तो बिना किसी देरी के टीज़र देख लेंगे। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਕੈਟ ਬੋਲਦੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ। ਬੀਜੀਐਮ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਯਾਰ। ਓ ਸਰੀ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੁਝ। रणदीप हुड्डा है यानी यार कमाल की होगी जी। ओहो क्या था वो, डार्क हो रहा है भाई, डार्क हो रहा है जी। बनेगा मेरे लिए एक बारी फिर कैट, एक बारी फिर। हो हो ओके, तो आई थिंक ये मूवी ही है मेरे ख्याल से, शायद सीरीज भी हो सकती है, ये पता नहीं, देखने लायक होगा। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है रणदीप हुड्डा का जो कैरेक्टर है उसकी एक पूरी जर्नी है, आई थिंक उसका बचपन का भी दिखाया है, वो जवानी का भी दिखाया है, और एंड में जब वो बोलता है एक बारी फिर तब वो काफ़ी अलग सिनारियो था। और जब वो उसी के आगे जो अगला जो सीन था कि भाई वो गन ले गए था, तो वो एक अलग टाइम फ्रेम में लग रहा था। तो इसके अंदर लग रहा है काफ़ी लंबी सी जर्नी होने वाली है, वो कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये कैट वाला चीज़ की भाई पुलिस वालों को जो जासूस होते हैं उनको कैट कहा जाता है। तो पता नहीं ये पंजाब में कहा जाता है या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड या फिर इंडिया का यही है कि भाई ये कैट एक वर्ड है जो मैंने आज पहली बार सुना है। तो ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर मूवी बनाना है या पूरी सीरीज है या मूवी है, ये देखने लायक होगा। आई थिंक ये मूवी ही है या सीरीज है, आई थिंक पता नहीं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और रणदीप हुड्डा यार, रणदीप हुड्डा कमाल ही करता है, कोई भी कैरेक्टर में उसको देख लो वो अलग ही लगता है यार एकदम। ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं जो सिमिलर लगे जो उसने खुद किए हो। तो यार ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इसके ये एक अच्छे एक्टर होने का ये सबूत है कि भाई ये कोई भी कैरेक्टर करता है बहुत ही डिफरेंट तरीके से करता है। और इसमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बीच बीच में डार्क हो रहा है और जैसे इसमें गन वन ये सब काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई गई है और कैरेक्टर्स काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं इसके अंदर। और मुझे ऐसा लग रहा है पूरा पुलिस से रिलेटेड ही चीज़ होने वाली है, आई थिंक पुलिस के अंदर का खुद का करप्शन भी इसमें दिखाया जाएगा ओवरऑल। और जो दूसरा डायनामिक है ऑब्वियसली सामने जो विलन्स को पकड़ रहे हैं रॉबरर्स या चोर जो भी हो, माफिया हो जो भी हो, उनकी लाइफ का भी आई थिंक कुछ पार्ट दिखाया जाएगा। लेकिन बट मुझे लग रहा है कि मेन जो स्टोरी घूमेगी वो रणदीप हुड्डा की लाइफ से के आसपास ही घूमेगी, किस तरीके से वो पहले तो जेल में गया, वहाँ से कौन अप्रोच करता है उसको पहले और पता कैसे चलता है कि भाई ये अच्छा काम कर सकता है, और फिर एंड वाला जो सिनेरियो होता है कि उसको दोबारा बोलते करने के लिए, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ कि इसका पूरा ट्रेलर कब आएगा तो देखने मिलेगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और एक और टीज़र आया है गाइस जिसका नाम है चोर निकल के भागा, और इसकी कास्ट है यामी गौतम, सनी कौशल, और आई थिंक ये भी एक मूवी है, तो देख लेते इसके अंदर क्या है। चलो ओके, परफेक्ट प्लान, इम्पॉसिबल हाइस्ट, 40,000 फीट, ओके, चोरी करनी है लेकिन प्लेन पे, अरे हाईजैक हो गया, डायमंड्स है मेरे ख्याल से वो। बॉम्ब, चोर निकल के भाग,
इंटरेस्टिंग यार, इंटरेस्टिंग। ओके, ये भी टीजर ही था छोटा सा, आई थिंक ये भी एक मूवी ही है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग सा प्लॉट है यार। मतलब अगर इनको चोरी करनी है, वो भी प्लेन पे, और प्लेन पे ऐसा क्या जा रहा है कि ये इसकी चोरी करने वाले हैं, और कैरेक्टर काफी इंटेंस लग रहे हैं ना, यामी गौतम का, सनी कौशल का, कोई भी, आई थिंक ये दोनों साथ में ही काम कर रहे हैं इस चोरी के लिए। यामी गौतम नजर भी आ रहा है, एयर हॉस्ट्रेस है, सनी कौशल एक बिजनेसमैन लग रहा है, लेकिन वो मेरे ख्याल से पूरी तरीके से इन्वॉल्व है चोरी करने के लिए, लेकिन चोर निकल के भागा है, ये तो ये नाम ही क्यों आई थिंक। और ये बीच में ये हाईजेक वाली चीज क्या रियल है या फिर ये लोग फेक कर रहे हैं, है ना। एक होता है ना कि भाई अगर आपको आपको किसी चीज से ध्यान भटकाना हो तो उससे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर दो, तो हो सकता है कि ये एक डिस्ट्रैक्शन हो कि भाई इनको चोरी करनी है, लेकिन चोरी करने के लिए एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना जरूरी है, तो क्या ये हाईजेक एक डिस्ट्रैक्शन होगा और ये इस बीच में ये चुपचाप चोरी कर ले जाएंगे। लेकिन हो सकता है यामी गौतम को ये पता ना हो सनी कौशल ये खुद कर रहा हो, या ये सनी कौशल को पता ना हो यामी गौतम ये खुद कर रही हो, तो कौन किसको डिस्ट्रैक्ट करके दूसरा ऐंठना चाहता है पैसे, ये देखने लायक होगा। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, और वेट करते हैं जब पूरा ट्रेलर आएगा तो पता चलेगा। ये छोटे छोटे टीजर ही है, तो इसको जल्दी जल्दी राउंड अप कर रहा हूँ कि भाई क्या क्या है, किस किस में कितना कितना दिया गया है। तो मज़ा आ गया गाइज इतने सारे टीज़र एक ही बार में देख के, आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आपको कौन सा टीज़र पसंद आया, मतलब कटहल या फिर राणा नायडू या कैट या फिर ये चोर निकल के भागा, इनमें से कौन सा आपको बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, किसके लिए आप वेट कर रहे हो। और वीडियो को भी पसंद करना गाइज, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और मैं आपको मिलूंगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।